नमस्कार, आप हैं खबरदार न्यूज के साथ और मैं हूं भी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बिंद के लाल शहीद दीपक सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। रामबाग जवाब। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा रामबाग चौराहे में रीवा जिले के फरेदा मनिकवार निवासी वीर सपूत शहीद दीपक सिंह की शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वीर शहीद दीपक सिंह गहरवार की प्रतिमा में दीप प्रज्वलित करके पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए चीन से बने सभी सामानों का बहिष्कार करने की शपथ ली गई। आज चीन की कायराना हरकत के कारण देश के 20 भारतीय जवान शहीद हो गए, जिसमें हमारे रीवा जिले का वीर सपूत दीपक सिंह भी लोहा लेते हुए शहीद हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार से मांग की है कि देश के वीर शहीदों की शहादत का मुंहतोड़ जवाब दें। किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव तरुणेंद्र द्विवेदी ने कहा कि बिंध के लाल दीपक सिंह गलवान घाटी में भारत चीन की झड़प में शहीद हो गए थे। आज पूरे बिंध को दीपक सिंह पर गर्व है। दीपक सिंह हमेशा लोगों के दिल में बसे रहेंगे। दीपक सिंह के परिवार ने एक शेर को जन्म दिया था। हम सब दीपक सिंह को भावभीनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव तरुणेंद्र द्विवेदी, युवा नेता अमित द्विवेदी, दीपू शशिभूषण द्विवेदी, आईटी सेल के ब्लॉक सचिव हिमांशु द्विवेदी, रामबाग राजनाथ पांडे, योगेंद्र पांडे, ऋषभ द्विवेदी, मनीष साहू, गुड्डू शुक्ला, मयंक द्विवेदी, हरिमोहन तिवारी के साथ साथ अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता एवं ग्रामीण भी मौजूद रहे। दीपक सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर शहीद दीपक सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चीनी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चीनी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। अमर शहीद दीपक सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।